मिलानी वो प्लान यही बना के आए हैं, रावण के 30 players ही खेलेंगे, एक प्लेयर पीछे ही खेलेगा, यही उनका प्लान है, यही उनका काम है, और अब देखते नतीजा क्या आएगा, बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है उस नतीजे के ऊपर। मीनवाइल गॉडलाइक के हीरोज आर प्लेइंग एक्सट्रीम इट सीम्स, बिकॉज नीड्स बैक टू बैक भाग रहे हैं। विंड गॉड के प्लेयर्स पूरी तरह से बैकफुट पे, और एडमिनो लगता है ये भी BMPS में छाने के लिए आए हैं। बहुत शानदार प्रदर्शन अभी तक रहा है, IQ MVP कंटेंडर्स की लिस्ट में इनका भी नाम शुमार है, और एडमिनो वो भी बनते नजर आ सकते हैं हमको गॉडमिनो बहुत जल्दी। देखिए मैं बस ये देख रहा हूँ कि एडमिनो के ऊपर वो ग्रेनेड करने की कोशिश है और सिम के तरफ वो ग्रेनेड जा रहा है, ऐसा ना हो कि एडमिनो को डाउन करने के चक्कर में सिम वहां पे उस ग्रेनेड के चपेटे में आ जाए। बट ग्रेनेड का जो सिलसिला है वो अभी भी हमें देखने को मिलेगा। पंक थोड़ा सा पीछे रुके हुए, ये ग्रेनेड थोड़ा क्लोज हो सकता है, क्लोज हुआ अभी, उसके पीछे भी एक ग्रेनेड था, इसका फायदा हुआ एडमिनो की तरफ से, कमाल का ग्रेनेड। रेक्स को वहां पे डाउन किया गया और उन्हें खत्म भी कर दिया जाएगा, खाता इनका भी खुल चुका है, 3 total finishes। बट विंड गॉड यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए, 0 अंक मिले हैं, पहले मैच में 2 ही थे केवल इनके। चलिए वो वक्त बताने वाला है, लेकिन वक्त ये बता रहा है कि अब एक फाइट होगा डू और डाई वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, जहां पे बहुत सारे स्मोक्स हम देख पाएंगे, इतने सारे स्मोक्स यहाँ पे किए गए, और उसके बाद भी आप देखिए कि वो धीरे धीरे करके और स्मोक का इस्तेमाल करते हुए और आगे बढ़ने की यहां से कोशिश की जा रही है। सर्कल जाना फिलहाल वो पहला चैलेंज था जिसे काफी अच्छे तरीके से उन्होंने कवर कर लिया है, सभी के हाथ में इनफैक्ट आप DBS देख पाएंगे, किन्हीं के पास M4 नहीं है, DBS के साथ अटैक करें जी हां, सारे पुश करना चाहते हैं इस कंपाउंड के अंदर, एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज ये कंपाउंड जोन के अंदर है। बट थोड़ा संभलना पड़ेगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को भी, बिकॉज 2 teams है इस कंपाउंड के अंदर, वही राइवल्स एपेक्स उनका भी सफाया हुआ, 4 वहां पे पॉइंट्स मिले, और रुक तो नहीं रहे हैं THW के प्लेयर्स भी। बट फाइनली एक नेड आया, एडमिनो ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल टुडे इट सीम्स लाइक, एक और नॉक निकाला गया बट फिनिश निकालना अभी भी बाकी, और हील बैटल करते हुए बियर्ड बाबा वो भी खत्म हो गए, 8वें पायदान तक आए। अब एक एक करके जो हील बैटल कर रहे हैं उनका समापन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन हेक्टर पीछे सर्कल के बाहर से मेडल ईस्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को परेशान करके गए, आखिरकार उनका भी प्ले जोन के बाहर खात्मा हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत बार इस तरीके की चीजें हमें करके दिखाई है। हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इनके भी फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती हुई ग्रेनेड बैक टू बैक यहाँ पे थ्रो किए जाएंगे, और वो पहला नॉक यहाँ पे ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं, 4 उसी के साथ करेंगे अटैक सरकार गेमिंग एक एक करके अपने प्लेयर्स को दबाते हुए। जो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक राउंड 2 में देखने को मिली थी वो वापस आ चुकी है अब राउंड 3 के लिए, बट अभी भी डू और डाई के प्लेयर्स ने वो कुक कर रहे हैं। पोजीशन के बारे में एडमिनो को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट क्या वहां से कोई नॉक निकाला जा सकता है, क्या प्लेयर्स के बारे में उनके पास इन्फॉर्मेशन है। बंक अपने आप को हील तो कर रहे हैं, बट वो नेड आया, पंक को करा गया है डाउन, एडमिनो पीछे तो देखिए डू और डाई के प्लेयर्स, एडमिनो वो 5वां फ्रैग उनका इंतजार कर रहा है, वो 6ठा फ्रैग उनका इंतजार कर रहा है, और एडमिनो आज ये खिलाड़ी रुकने के लिए नहीं है तैयार, 6 frags वो निकाल चुके हैं। इस बार हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक चिकन उनका इंतजार कर सकता है, लेकिन उस फाइट के दौरान पंक को गवा बैठे ये जरूर से देखने वाली बात रहेगी कि अब 3 खिलाड़ियों के साथ क्या वो पॉसिबल हो सकता है। TSW को तो आप देखिए बैक टू बैक वो पॉइंट्स उन्होंने भी निकाले हैं, मेडल ईस्पोर्ट्स उनके तरफ से ये ग्रेनेड काफी बेहतर, वो ओपनिंग नॉक यहाँ पे ढूंढ चुके हैं, पीछे से न्यूमैन के भी खिलाड़ी आए, उन्होंने TBS का इस्तेमाल किया, माफिया बिल्कुल माफिया स्टाइल में आए और एलिमिनेट किया गया मेडल ईस्पोर्ट्स को। अब बचे हुए 4 टीमों के बीच में ये मुकाबला, जिसमें से शॉट की जब बारी आई तो रिफ्लेक्सेस बहुत कमाल के माफिया दिखाते हुए कि आखिर सर्कल में किस तरीके से वो एंगल को चेकआउट करते हैं, लेकिन अब बारी रहेगी कि क्या चिकन निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका भी मोमेंटम यहां से बनता हुआ। TSW मीनवाइल वो भी बहुत सारे फ्लैग्स यहां पे निकाल चुके हैं, बट और एफर्ट उनको यहां पे लगाना पड़ेगा अगर उनको चिकन निकालना है तो। न्यूमेनेक्स फॉरएवर पोजीशन डिसेंट है, एक प्लेयर जो वेस है उनको थोड़ा सा पीछे रखा गया है, एश के पास मौका रहेगा रिवाइवल देने का, बट जोनाथन का वो नेड सही जगह पे जा जरूर रहा है और फ्रैग को कंफर्म भी करेगा। जोनाथन अभी भी रुके नहीं है, एडमिनो भी वहां पे और ज्यादा नेड्स दाग रहे हैं, और लीजिए इस बार फिर से एडमिनो का वो नेड, द प्रोडिजी इज शाइनिंग वंस अगेन, और पूरा मौका हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास कि वो चिकन निकाले। बट न्यूमैनेक्स फॉरएवर को देखिए, नेड्स कितने सारे उनके पास भी, और एक क्लस्टर में फंस चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, एक अच्छा नेड अगर आ पाता तो डैमेज मिलता, बट अभी तक वो नेड आया नहीं। बट ओमेगा थोड़ा आगे गए, इस बार वो नेड ज्यादा बेहतर था, लेकिन इस बार भी डैमेज वो दे नहीं पाए, लेकिन फाइनली वो कनेक्शन मिलेगा, जोनाथन को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन किया गया, और उसके बाद मल्टीपल ग्रेनेड वहां पे उनकी तरफ फेंके जा रहे हैं, लेकिन सिम यहाँ पे आगे जाके वो आखिरी फिनिश निकालेंगे, और इसी के